पहले वो पार्टी करने के बहाने से लड़कों को घर पर बुलाता था, उसके बाद उनकी खोपड़ी में छेद करके उस छेद में से खोपड़ी के अंदर एसिड डाल देता था। ये बंदा था एक सीरियल किलर जिसको कहा जाता था द एसिड किलर। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है, आज के वीडियो में इस किलर की कहानी तो बताऊंगा ही, साथ ही बताऊंगा आपको एक ऐसे शातिर पति के बारे में जिसने अपनी पत्नी को मारने के लिए ऐसा तरीका अपनाया जिसे जानने के बाद आपका दिमाग घूम जाएगा। और साथ ही साथ इस कातिल पति के पकड़ाने की कहानी भी बहुत मजेदार है, आपको यकीन नहीं होगा ये यूट्यूब की वजह से पकड़ा गया। और ये वाला जो केस है ना कातिल पति वाला, ये इंडिया का है। लेकिन केवल इनसे आपका पेट तो भरेगा नहीं, इसीलिए आज के वीडियो में है एक और खतरनाक सीरियल किलर की कहानी जिसे जब जेल में डाला गया और उसका इंटरव्यू लिया गया तो उस इंटरव्यू लेने वाले की फट गई। तो आज के इस वीडियो में हम उस कातिल का इंटरव्यू भी देखेंगे। तो भैया ये है सीरियल किलर्स का पार्ट 3। इससे पहले वाले पार्ट्स में मैंने आपको बहुत सारे अजीबोगरीब सीरियल किलर्स के बारे में बताया है। एक जो लोगों की मुंडी रख लेता था, दूसरा जो लोगों का अचार बना देता था, तीसरा जो लोगों की डॉल्स बना देता था। लेकिन आज के वीडियो में आप जिन कातिलों के बारे में जानने वाले हो ना, वो इन सब से कहीं ज्यादा खतरनाक हैं। तो चलते हैं कातिलों की दुनिया में और शुरू करते हैं आज का तगड़ा वीडियो। ९९ की रात थी, अमेरिका की सड़कों पर एक इंसान नंगा भाग रहा था जिसका नाम था ट्रेसी एडवर्ड्स। और भागते भागते ये इंसान पुलिस की गाड़ी से टकरा जाता है और उसके बाद पुलिस की पूछताछ में ये बताता है कुछ ऐसी बातें जिन्हें जानने के बाद पुलिस जेफरी नाम के बंदे के घर पर आ जाती है। ये था द एसिड किलर जिसका नाम था जेफरी दामेर और इसको लड़के बड़े पसंद थे। तो जेफरी क्या करता था, रोज रात को जाता था एक क्लब में, वहां पर अपनी पसंद का एक लड़का चुनता था, उसके बाद उस लड़के के साथ वो पार्टी करता था और पार्टी करने के बाद वो उस लड़के को अपने घर ले आता था बातों में फंसा कर। फिर यहां पर भी दोनों खूब पार्टी वार्टी करते, एंजॉय करते और उसके बाद जेफरी उस लड़के के साथ ट्राई करने की कोशिश करता था और जो लड़का इस बात से इनकार कर देता था वो बन जाता था जेफरी का शिकार। लेकिन भैया चूंकि 17 कत्ल करने के बाद भी जेफरी किसी की पकड़ में आ नहीं रहा था तो पुलिस भी बड़ी परेशान थी कि भैया आखिर ये कातिल है कौन। और एक दिन जब ट्रेसी पुलिस की गाड़ी से टकराया तब पुलिस को समझ में आ गया कि जिस कातिल की हम तलाश कर रहे हैं वो कातिल जेफरी ही है। क्योंकि जब जेफरी के अपार्टमेंट में पुलिस ने धावा बोला तो उन्हें फ्रिज के अंदर रखी दिखाई दी बहुत सारी खोपड़ियां, उन 17 लड़कों की खोपड़ियां जो कि गायब थे। जब पुलिस ने पूछा कि भैया इनकी खोपड़ी तो यहां पर है, बॉडी का क्या किया, तब जेफरी ने बताया कि इनकी बॉडीज को तो मैंने एसिड में गला दिया है और नाली में बहा दिया है। और छानबीन करने पर पुलिस को उसके अपार्टमेंट में बहुत सारे फोटोग्राफ्स मिले जिनमें अलग अलग लड़कों की बॉडीज को अलग अलग तरह से टॉर्चर किया जा रहा था, शरीर की चीर फाड़ की जा रही थी और उनके साथ कुछ ऐसे काम किए जा रहे थे जो मैं इस वीडियो में नहीं बता सकता। पुलिस ने जेफरी को पकड़ लिया, जेल में डाल दिया। लेकिन भैया जेल में मिलने वाली सजा उसके लिए काफी नहीं थी। वो जिस कमरे में बंद था जेल के, वहां पर 3 लोग थे, जेफरी, क्रिस्टो और एंडरसन। ये तीनों ही कातिल थे और एक दिन बहस हो गई इन तीनों की आपस में। तो क्रिस्टोफर नाम का जो बंदा था उसने जेल में मौजूद जिम से एक रॉड चुरा कर रखी थी, उस रॉड का यूज करके उसने जेफरी का खोपड़ा फोड़ दिया और कोर्ट की सजा मिलने से पहले ही जेफरी ऊपर चला गया, वो भी एक कातिल के हाथों। खैर ऐसा तो होना ही था क्योंकि भैया जेफरी ने भी कोई अच्छे काम तो किए नहीं थे। और इसी लड़ाई के दौरान तीसरा बंदा जो था एंडरसन वो भी मारा गया क्योंकि भैया क्रिस्टोफर भयंकर गुस्से में था तो उसने अपने सेल में मौजूद दोनों कातिलों को ऊपर पहुंचा दिया। हालांकि जेफरी एसिड किलर के नाम से फेमस है लेकिन भैया जिस तरह के इसके शौक थे ये नाम को जेफरी पर जच नहीं रहा। मतलब लिटरली ये लड़कों को पार्टी करके घर में बुलाता था और फिर उनके साथ ट्राई करता था। तो भैया इसका नाम होना चाहिए लौंडा लवर किलर, कुछ जम नहीं रहा यार। तो तुम ही कमेंट करके बताओ कि भैया इस कातिल का क्या नाम होना चाहिए जो इसकी हरकतों पर, अतरंगी हरकतों पर बिल्कुल सूट करे। लेकिन नाम बाद में सोचना और लिखना क्योंकि भैया अभी मैं आपको बताने वाला हूँ इंडिया का एक ऐसा केस जहाँ पर पति ने अपनी पत्नी को मारने के लिए ऐसा तरीका अपनाया कि पुलिस का भी दिमाग घूम गया।
ये घटना है केरल की। उथरा नाम की महिला को सोते समय कोबरा सांप ने डस लिया और ये घटना हुई थी 7 मई 2020 को। सबको लगा कि भैया सांप के काटने से मौत हुई है, पुलिस ने भी ज्यादा दिमाग नहीं लगाया। लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में एक खास बात सामने आई कि जो औरत मरी थी उसने मरने से पहले थोड़ी सी नींद की गोलियां खाई थी और पुलिस को इसी बात से शक हो गया। उसने सूरज के मतलब उस औरत के पति पर नजर रखनी शुरू करी, लेकिन नजर रखने की कोई टेंशन ही नहीं थी क्योंकि जैसे ही पुलिस ने उस आदमी का मोबाइल लिया और उसकी YouTube की हिस्ट्री देखी तो सारी पोल पट्टी खुल गई। उसका YouTube सांप के जहर से रिलेटेड वीडियोस से भरा हुआ था। मतलब वो दिन भर बैठकर यही रिसर्च करता रहता था कि भैया कौन सा सांप काटने से कब मौत होती है, कौन सा जहर खतरनाक होता है, मतलब सारी रिसर्च उसकी YouTube पर ही चल रही थी। तो पुलिस समझ गई कि भैया इस औरत को सांप ने नहीं काटा है बल्कि इस पति ने अपनी पत्नी को सांप से कटवाया है और ये दिमाग इसको YouTube से मिला है। जब पुलिस के दो डंडे पड़े तो भैया सूरज नाम के पति देव ने सब कुछ उगल दिया। उसने बताया कि हाँ, मैंने पत्नी को पहले नींद की गोलियां खिलाकर आराम से सुला दिया, फिर उसकी रजाई में मैंने एक सांप को डाल दिया और ये काम मैं पहले भी कर चुका हूँ, लेकिन पिछली बार का सांप नालायक था, उसने मेरी बीवी को काटा ही नहीं, मेरे पैसे बर्बाद हो गए। और छानबीन में पता चला कि सूरज सही बोल रहा था, वो एक्चुअली एक सपेरे से 2 बार सांप खरीद चुका था और ऐसे वैसे नहीं, कोबरा सांप। मतलब खुद सोचो ये सूरज नाम का बंदा कितना शातिर था, अगर पुलिस को थोड़ा सा शक नहीं होता तो ये तो साफ बचकर निकल जाता। तो जो भी पति या पत्नी या शादीशुदा लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, थोड़ा सा सावधान रहना, सोने से पहले अपनी रजाई को एक बार चेक कर लेना, कहीं उसमें आपके पति देव या पत्नी देवी ने सांप तो नहीं रख दिया। एनीवे मजाक कर रहा हूँ, अपने पार्टनर पर शक मत करना। ये सूरज वाला केस तो कुछ अलग ही था, मतलब लिटरली इस सूरज को कुछ ना कुछ नाम जरूर देना चाहिए, क्योंकि जब विदेश के कातिलों के इतने फैंसी नाम होते हैं तो भैया इंडिया के इस कातिल को हम कैसे छोड़ दें? मुझे कमेंट करके बताओ भैया इस सूरज नाम के पति देव का क्या नाम होना चाहिए। एक सजेशन मैं भी दे देता हूँ, मेरे हिसाब से इसका नाम होना चाहिए पॉइजन पति देव। जोसेफ एक अमेरिकन साइको किलर था, साइको किलर भी था और सीरियल किलर भी था। इसने 2 शादियां करी और 2 शादियों से इसके 5-6 बच्चे हो गए, लेकिन ये साइको था तो इसकी बीवियां इसको छोड़कर भाग जाती थी। पैसे की इसके पास कमी रहती थी क्योंकि कोई इसको काम तो देता नहीं था, तो इसने क्या किया, अपने बेटे का लाइफ इंश्योरेंस करवाया और उसके बाद उस लाइफ इंश्योरेंस के पैसे हड़पने के लिए सबसे पहले इसने अपने बेटे को ही ऊपर पहुंचा दिया। लेकिन कंपनी वाले बहुत शाणे थे, उन्होंने जोसेफ को पैसे देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि भैया ये सब कुछ नेचुरल नहीं है। उसके बाद जोसेफ ने सोचा कि यार इन बच्चों का मैं क्या करूं, तो उसने अपने एक बड़े बेटे को लिया जिसका नाम था माइकल, जो 14 साल का था, और माइकल के साथ मिलकर इसने बहुत सारे मर्डर किए, बहुत सारे घरों को लूटा, वहां के लोगों को टॉर्चर किया, मतलब इसने अंधी मचा दी। फाइनली फिर पुलिस ने इसको पकड़ लिया, इसके बेटे को भी पकड़ लिया और इसका एक इंटरव्यू लिया गया। उस इंटरव्यू के दौरान जब इंटरव्यू व्यूअर ने उससे पूछा कि भैया आप कत्ल वत्ल क्यों करते हो, तो उसने कुछ ऐसा जवाब दिया। At the end of murdering all the people on earth, I was going to murder my own family and then take my own life and become God. देख रहा भैया, इस कातिल की आंखों में बिल्कुल भी खौफ नहीं है, ये पलकें भी नहीं झपका रहा, एकदम फियरलेस होकर ये इंटरव्यू दे रहा है। Do you ever feel violent? Yes, I do. What do you feel like doing? Killing people. और जब इंटरव्यू लेने वाले ने बोला कि आपको मारने का इतना एडिक्शन हो गया है लोगों को कि आप बेफिजूल में ही किसी को भी मार देते हो, तो क्या आपका मुझे भी मारने का मन कर रहा है, तो जोसेफ ने कुछ ये जवाब दिया। Yes, it is. मैं तो ये सोच रहा हूँ कि जैसे ही किलर ने बोला होगा यस, इंटरव्यू लेने वाले ने यही कहा होगा ये भगवान क्या जुल्म है। मुझे नहीं पता भैया वो इंटरव्यू लेने वाला बंदा अभी जिंदा बचा है या फिर वो भी ऊपर जा चुका है। लेकिन एक बंदा है जो हमेशा सेफ रहता है, सोचो कौन है वो है कैमरामैन, बिकॉज कैमरामैन नेवर डाइज। अब तो समझ ही गए होगे ना कि मैं तुम लोगों के सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ। एनीवे जोसेफ 11 साल जेल में रहा, उसे उम्र कैद फांसी की सजा भी हुई, लेकिन भैया वो अपनी बीमारी की वजह से ही मर गया। उसी बीमारी की वजह से वो इस टाइप की पागल टाइप की हरकतें करता था क्योंकि उसके दिमाग में ही कुछ गड़बड़ थी, और ये गड़बड़ तब से शुरू हुई थी जब से उसकी बैड पेरेंटिंग हुई थी। उसके जो पेरेंट्स थे वो मर गए थे, फिर जोसेफ को किसी ने गोद ले लिया, जिसने गोद लिया उसने भी जोसेफ के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, और इस तरीके से वो एक खतरनाक इंसान बन गया। तो भैया जो लोग हमेशा अपने पास्ट में चिपके रहते हैं, बुरी यादों को ही याद करते रहते हैं, उनके साथ ऐसा ही होता है। अपनी
बुरी यादों को छोड़ो, पास्ट को छोड़ो और अपने फ्यूचर पर ध्यान दो, अपने प्रेजेंट पर ध्यान दो कि आज आपके साथ कौन है, आज आपकी क्या कंडीशन है। हमेशा खुश रहने की कोशिश करो और अपने आसपास नजर रखो कहीं कोई साइको किलर आपको अपना शिकार बनाने की फिराक में तो नहीं है। आई नो कि ये वीडियो देखने में तुम्हें बहुत मजा आया और तुम चाहते हो कि इस वीडियो का अगला पार्ट जल्दी से जल्दी आए, तो बिल्कुल आएगा। लेकिन उससे पहले तुम्हें काम करना है, इस वीडियो पर 5000 लाइक्स का टारगेट उसे पूरा कर दो, मैं लेकर आ जाऊंगा इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट। मिलते हैं अगले एक और तगड़े वीडियो में।